और तुम ये बेस देखो गाइस, इस पर बंदे ने टाउन हॉल 9 कर रखा है और इसके पास डिफेंस के नाम पर सिर्फ 2 एक्सपोज है और बाकी बिल्डिंग्स कितने हैं आप खुद ही देख लो भाई। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से ना इनका बेस प्रॉपर में समझ आता है कि ये हैक्ड बेस है। वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है आप सभी का क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस के कुछ ऐसे बेसेस जिन्हें प्रॉपर हैक करा गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन बेसेस को आपने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और जो लास्ट बेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो आपके प्रॉपर रोंगटे खड़े होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट होने वाले, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स की कमी है और ये गोल आपके बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता, तो यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट का फर्स्ट बेस दिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब भी कोई न्यू प्लेयर क्लैश ऑफ क्लैंस को ज्वाइन करता है तब उसे गेम के बारे में अच्छे से पता नहीं होता और उसे लगता है कि इस गेम में हमें सिर्फ टाउन हॉल को अपग्रेड करना है और इस गेम में जितनी भी बिल्डिंग्स है उसे अपने बेस पर बिल्ड करना है। इसलिए वो अपना पूरा अफोर्ड लगा के अपने बेस पर अपने स्टोरेज को अपग्रेड करता है और फिर पैसा कलेक्ट करके अपने टाउन हॉल को मैक्स करता है। और यही चीज़ करी है इस बंदे ने। इसने अपने बेस पर कर रखा है टाउन हॉल 15 5 स्टार, और उसके अलावा इसके बेस की सारी बिल्डिंग्स लेवल 1 पर ही। आप देख सकते हैं इसका विजर टार लेवल 1 का ही है, मोनोलिथ लेवल 1 का ही है, इसकी ईगर आर्टिलरी भी लेवल 1 की है, यहाँ तक कि इसके सारे बिल्डिंग्स लेवल 1 की ही है। और तो और अगर आप इसकी प्रोफाइल चेक करते हो तो इसके सारे ट्रूप्स भी लेवल 1 पर ही है, सारे हीरोज भी लेवल 1 की ही है, पेट्स और सीज मशीन सब लेवल 1 के ही है इस बंदे के। और यही पर इस बंदे का हैक पकड़ा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने अपने बेस पर सारे स्टोरेजेस को भी लेवल 1 पर ही रखा है, उसके बावजूद भी इसका टाउन हॉल 15 5 स्टार है। आपको पता ही होगा कि अगर आपके बेस पर सारे के सारे स्टोरेजेस लेवल 1 के हैं तो आप कभी भी अपना बेस का टाउन हॉल लेवल 15 वो भी 5 स्टार नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ इस बंदे ने करी है अपने बेस पर। अब हो सकता है कि इस बंदे ने अपने बेस पर 50-60 हज़ार जेम्स लगाकर ये चीज़ करी हो, जो कि पॉसिबल है, लेकिन अगर ये चीज़ इस बंदे ने नहीं करी होगी तो इस बंदे ने पक्का अपने बेस पर हैक यूज़ करा है। तो चलिए बढ़ते अब हमारे सेकेंड बेस की ओर। अब हमारे सेकंड बेस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया अकाउंट स्टार्ट करा है और ये विलेज लेडी मुझे कह रही है कि अपने बेस पर एक कैनन को आपको बिल्ड करना है, और आप जानते हो कि जब तक मैं इस बेस पर इस कैनन को बिल्ड नहीं करूँगा हमारा गेम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं इस कैनन को बिल्ड नहीं करता तो भी ये लेडी मुझे बार बार कहेगी कि अपने बेस पर इस कैनन को बिल्ड करो, यानी कि अब जब तक मैं इस बेस पर कैनन को बिल्ड नहीं करूँगा तब तक मेरी गेम आगे नहीं बढ़ेगा, और फिर मैं अपनी आईडी को नेम देकर इसे प्रॉपर सुपर सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस बंदे ने अपने बेस पर बिना कैनन को बिल्ड कर ही अपनी आईडी स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि इसने अपने बेस पर एक आर्मी कैंप को भी बिल्ड कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस बंदे ने अपनी आईडी को हैक करा है, क्योंकि सीधी सी बात है जब तक आप अपने बेस पर कैनन को बिल्ड नहीं करते आपका बेस आगे बढ़ता ही नहीं है, और इसने अपने बेस पर बिना कैनन को बिल्ड करे अपने आईडी को आगे बढ़ाकर सुपर सेल के साथ लॉगिन भी कर दिया। लेकिन ये बेस कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो बेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देख के तो आपके प्रॉपर रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, क्लैश ऑफ क्लैंस में आने वाले 90% न्यू प्लेयर्स अपने बेस पर सबसे पहले टाउन हॉल को अपग्रेड करने पर ही फोकस करते हैं और वो बाकी सारी बिल्डिंग्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन इस बंदे ने अपनी सारी बिल्डिंग्स को कुछ इस तरह इग्नोर करा है कि उसने अपने बेस पर बाकी बिल्डिंग्स को बिल्ड ही नहीं करा। आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने अपने बेस पर टाउन हॉल 9 कर रखा है और डिफेंस के नाम पर इसके बेस पर सिर्फ 2 एक्सपोज है। मतलब भाई, देखा है आपने कभी क्लैश ऑफ क्लैंस में इस लेवल का हैक? मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस में कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर टाउन हॉल 12 होने के बावजूद पर उस पर ईगल आर्टिलरी नहीं होती, टाउन हॉल 11 होने के बावजूद उस पर इन्फर्नो टास्क नहीं होते, लेकिन इस बंदे के पास एक्सपोज के अलावा कोई भी डिफेंडिव बिल्डिंग नहीं है, यहाँ तक कि कलेक्टर स्टोरेजेस माइंस और एक लैबोरेटरी, इसके अलावा बाकी की सारी बिल्डिंग्स गायब ही है। और अगर आप इस बेस पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने अपने बेस पर उतनी बिल्डिंग्स को बिल्ड कराए जितने में कि इसके बेस पर एक प्रॉपर हार्ट शेप बन सके, और जितनी बिल्डिंग्स यूज़ करके इसके बेस पर एक प्रॉपर हार्ट बन गया उसके बाद इसने कुछ भी बिल्डिंग यूज़ नहीं करी है। मतलब आपने कभी सोचा था कि क्लैश ऑफ क्लैंस भी इस लेवल की भी हैकिंग होती है? तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका बेस्ट पार्ट
इस वीडियो में कमेंट कर देना। और अगर आपको भी ऐसे कुछ बेसिस पता है तो उनका टैग मुझे कमेंट में ज़रूर दे देना। और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी बेसिस दिखाए हैं उन सारे बेसिस के टैग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि इस वीडियो में दिखाए गए सारे बेसिस रियल नहीं है तो आप टैग्स के थ्रू उन बेसिस को विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को याद से लाइक कर देना और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए और फिर हम अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे। तो मिलता हूँ आप देखने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।